आपको कहा, अभी शिया बरादरी को कहा गया कि अल्ताफ बुखारी ने कोई स्टेटमेंट दिया, जबकि वो इट वाज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू व्हाट हैपेंड इन द पार्लियामेंट। मैंने तो कहीं नहीं कहा कि शियाज ने इमाम को मारा, और मैं कैसे कह सकता हूँ? हाँ, आप भी मुसलमान? नहीं नहीं, मुसलमान ही नहीं, मैं सादात हूँ, मुझे पता है क्या है, व्हाट इज़ देयर होल स्टोरी। लेकिन मैंने वही कहा ना, पॉलिटिकल अपोनेंट्स आप कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ पकड़ लें। भाई हाँ, तुम पूरा स्टेटमेंट को पढ़ो। मैंने तो आज़ाद साहब के बारे में कहा ही वॉज अ वोटरी टू इट, क्यों? ही वॉज हेड ऑफ द कांग्रेस लेजिस्लेटर, जो वहाँ पार्टी थी, लीडर ऑफ अपोजिशन। और अगर वो If he had not voted in favor of that, 370 उठ नहीं सकता था, स्टेट टूट नहीं सकती थी। तो अब उसको साथ मैंने कहा, ये तो वैसे ही हुआ जैसे लोग ऐसा कहते हैं। तो ये मैं नेवर, मुझे बहुत रिस्पेक्ट है, ये बड़ी हम में से ज़्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी अगर है, शिया कम्युनिटी है, और आई कैन नॉट डेयर टू थिंक अबाउट कि मैं उनकी शान में कोई कहूँ। और मैंने शियाज़ के बारे में कहा था, आई डोंट मीन इट, एंड अगर किसी को लगता है कि उनको मेरे इन स्टेटमेंट से दिल मजरूह है, आई थिंक आई शुड अपोलोजाइज देम, बट आई नेवर मेंट। ये जो कर रहे हैं, ये कुछ जर खरीद लोग कर रहे हैं, मुझे पता है, आई कैन नेम देम ऑल्सो, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मेरे पोलिटिकल, मैं पोलिटिकल अपोनेंट समझता हूँ, मेरे हमारे साथ ही किसी न किसी दौर में चले होंगे, और कल को भी कहीं ना कहीं वो हमारे साथ होंगे, वो लोग कर रहे हैं, बाकी इसका सवाल ही नहीं है। हम तो खुद इतने दीनदार हैं कि हमसे ज़्यादा दीन कौन समझ सकता है। मैं आई कैन चैलेंज देम, आई डोंट मीन एनी डिसरेस्पेक्ट टू द शिया कम्युनिटी और द पहाड़ी कम्युनिटी, और कश्मीर में दूरियाँ फिल करने में कामयाब हो गया हूँ, तो क्या मैं ये नहीं, ये कोशिश कर रहे हैं। मैं लोगों से गुजारिश करूँगा, इन पे भरोसा ना करें, इनकी हर एक कोशिश यही होगी कि जो मैं हरदल अज़ीज़ आपके दिलों में बना हूँ, हमारी जमात बनी है, कुछ ना कुछ शकावर के सिदार है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो लोगों ने अब रिजेक्ट किए हैं, जहाँ जो लोगों में नंगे हुए हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुलसुम परवेज फ्रॉम एक्सेप्शनल माइंड सेंटर फॉर ऑटिज्म एंड अदर स्पेशल एबिलिटीज लोकेटेड इन पेमना श्रीनगर जेल की। तो देखिए, मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्सेप्शनल माइंड पेमना श्रीनगर में ही लोकेट है, जैसे हम ऑटिज्म जो भी न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर जो भी बच्चे हैं, चाहे सी पी है, चाहे ए डी एच डी है, चाहे डाउनिंग है, चाहे डिले माइल स्टोन, चाहे स्पेसिफिक लर्निंग सेंटर, हम इनके साथ डील करते हैं। हम इनको जो सर्विसेज प्रोवाइड, जो फैसिलिटीज हमने रखी है यहाँ पे, और पेशेंट थेरेपी, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज और रिप्लेसमेंट थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, फिजियोथेरेपी, या स्पेशल एजुकेशन की बात की जाए, या बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी है, तो हम ये प्रोवाइड करते हैं स्पेशल बच्चों को। तो आप, जैसे कि आप सबको पता भी होगा कि मैं भी एक प्राउडली बताती हूँ हमेशा कि मैं भी एक मदर ही हूँ स्पेशल बच्चे की, जो ये एक्सेप्शनल माइंड्स हम रन कर रहे हैं बच्चों की बेनिफिट के लिए। तो देखिए, जो मेरी जर्नी है ये बहुत एक लंबी है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊंगी तो काफी साल लग सकते हैं। तो फिलहाल मैं यही बता रही हूँ कि मैं अवेयर कर रही हूँ लोगों को कि हमारे यहाँ इन बच्चों का स्पेशल सेंटर बोला या स्पेशल स्कूल बोलेंगे, तो जो भी हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, जो भी सारे के सारे आरसीआई प्रोफेशनल्स हैं, आरसीआई लाइसेंस प्रोफेशनल्स जो इन बच्चों के साथ डील करते हैं। तो आपको जो भी क्वेरी हो, आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हो, हमारे में आपको कॉन्टेक्ट दूंगी स्क्रीन पे, तो उस पर आप कॉल कर सकते हो, उस पर आप मैसेज डाल सकते हैं 9541852512। तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं, उस पर हमारे आपको